आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। विधान के पुनियार जक है श्री धर्मवीर जैन, प्रवीण जैन, बिट्टू, निखिल जैन, अर्पित जैन, अक्षय जैन एवं समस्त परिवार कैलाश नगर दिल्ली। निवेदक श्री दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधक समिति एवं सकल जैन समाज गली नंबर 2 कैलाश नगर।
करना लगे
तो चोर उस मंदिर में गया, चार चौकन्ने व्यवस्था थी जहां तक, इसलिए वो चोर चोरी नहीं कर सकता था। उसने 1.5-2 माह प्रशिक्षण लिया, ब्रह्मचर्य पद का जो है अभ्यासी बना और सफेद कपड़े पहनकर घमाए जैसे और एक टाइम बोले करता है चोरी करने की भावना के साथ से जब उसने ऐसा भाव बनाया, जैसे ही उसके प्रातिहार और छत्र चवर महामंडल उसने चोरी किए थे, त्यों ही सारी समाज एक हो गई, मीटिंग हुई, दरोगा जी को बुलाया गया और चोरों ने नियम के उपवास किया 2 दिन। किसने? जिस ब्रह्मचारी चोरी को कहते हैं कि चोर भी पकड़ा गया तो मैं अन्नजल नहीं दूंगा। अब जब स्वयं चोर का पता लगाएगा है ना, तो समाज को खुद डर होगा कैसा करते हो, ऐसा और वैसा और जी हो, ऐसी भावना के साथ वह चोर तो अंत तो करता हूँ मिला नहीं। सेठ जी ने कहा कि मंदिर जी में पुनः जो है छत्र समर्थ आदि की व्यवस्था कर देते हैं और व्यवस्था कर दी गई, व्यवस्थित जो है और जो है मुकेश की पूरी टीम पहुँच गई अच्छी जो है वहाँ पर और देख रेख की व्यवस्था बढ़ा दी गई। किंतु इसका मन जो है इतने कार्य से नहीं भरा था, इसके मन में था कि जो विश कीमती प्रतिमा है यदि वो मैं चोरी कर लूं तो निश्चित रूप से मेरा तो आने वाला 100-150 साल तक का हिसाब किताब मेरी पीढ़ियां चल जाएंगी। कहते हैं कि जितेंद्र भगवान के नृत्य में किसी प्रकार के दान हुए जन्मिम धनसरेण प्रतिष्ठा पेन तीर्थ यात्रा नृत्य मेरी प्रतिष्ठा संबंधी अथवा अन्न का संबंधी दान का जो पैसा होता है अथवा मंदिर का जो धन रुपया किसी प्रकार से कोई उपयोग में दे या फिर किसी प्रकार की मंदिर की सामग्री का उपयोग भोग करे तो निश्चित रूप से नरहित कदी भुंजति सो भुंजति, नरकों के दुखों की एक लंबी यात्रा उसे करनी पड़ती है। चोरी करने के उपरांत में नरकों की यात्रा करने के लिए निकल गया, बहुत लंबी यात्रा की और अनंतों बार कहते हैं कि तीन लोग को राज दुखाय मिटे न भूख राज न आए, कई बार उसे मारा काटा गया, फिर वह फिर जीवते हो जाता है, फिर उस पर होता है। वहां की हवा भी ऐसी चलती है नरकों की, समझ पर नरकों में हवा ऐसी चलती है कि तुम्हारी हवा नहीं लगेगी, तुम्हें लगेगा कि हम जाकर के उस पेड़ के नीचे बैठ जाए तो पेड़ की पत्तों की डालियों में तलवारों की तरह लगेंगे। और कहते हैं कि सारे समुद्रों का जल भी तुम पी जाओ तो तुम्हारी प्यास मिटने वाली मिटेगा, भूख पर एक बूंद भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। सिंधु नीर के प्यास में जा रहा, सिंधु नीर के प्यास में जा रहा है तो फड़ेगा भूत रहा, समझ रहे हो? और ऐसी यात्रा उन नरकों की माँ बेटा जो वहां पर है तो माँ से कहा जाएगा कि यही तेरा बेटा है तुझे पेट में लात मारता था और इसने जो है तुझे कितना कष्ट दिया है, तुझे जो है ये बहुत इसने सताया, खुद जो है मतलब उसको भड़काया, वहां पर भड़काने वाले देव होते हैं अशोक कुमार, कौन से देव होते और वही पुत्र से कहा जाएगा कि माँ जो तुझे खिला खाना खिलाना नहीं देना चाहती थी, तुझे मारा पीटा करती थी, तेरा अच्छा नहीं सोचा इसने, तुझे जो है बहुत इसने कष्ट दिए, तो वह बेटा भी जाएगा और माँ के खंड खंड कर देगा, वह माँ भी उसके बाद ऐसी नरकों की दुख है असुर बढ़ावे दुष्ट प्रचंड। तो नरकों की उस यात्रा की करने के उपरांत जब वह जीव आया था जिस माँ के गर्भ में, उस माँ के गर्भ में आते ही उसकी नानी खत्म हो गई, गर्भ से जैसे ही जन्म लिया और 8 दिन
कन्या भी कदम ऐसा कन्या तो नहीं हुए। लोग कहते इसका नाम रख दो, कुछ दो तीन साल का होने जा रहा है, क्या नाम रख दो, इसका जीवन में नहीं किया था इसने कभी कोई पुण्य, इसलिए इसका नाम रखा अंकद। और एक बार भाई जिसको कभी इसने बोल दिया था, माने मिष्ट नाना नाम था उस माँ का, गांव की कभी मुखिया होती थी, तो उसका नाम उसने सुकृत पुण्य रखा था। जब सुकृत पुण्य ने कुछ अंकद पुण्य को दिया तो हाथों में देने वाले वैसा भी अंगारी बढ़ गई, इतना पुण्यहीन था वह और बहुत अधिक था, उद्यमी था उसको जो है कुछ जीवन में मतलब देखते हैं कि करने का धरने का कुछ है नहीं, वो तो बस खाए पिए और हाँ। तो जैसे 6 वर्ष तक का हो गया, 7-8 वर्ष का होने को था, अब माँ करकर के परेशान बेचारी, इतनी स्थिति आ गई कि अब तो मांगना पड़ेगा। तो भैया लगा कि अब तो ये गाँव छोड़ दो, क्योंकि उस गांव में कभी मैं संगत चुका करते थे, किससे करते थे, तो जिससे लेना था उसका कोई पता नहीं है, दूर दूर तक उनका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, और जिनसे मान लो तो वो जो है सिर पे चढ़ के बोलते हैं क्या थे क्या तुम्हारा कुछ नहीं, और जिनसे जिनसे जिनको दे देना था वो प्रतिदिन तुम्हारे घर पे आकर के खड़े हो रहे थे, ऐसी स्थिति उस समय आई होगी। अब वही जब निकल पड़ी थी गाँव गाँव और गाँव गाँव चल पड़ी कि भैया अब तो कुछ समझ में नहीं आता, तो राजा गृह की ओर जाकर करके सोचा कि राजगृह राजमहल में जाकर के कुछ अपना काम धाम देखेंगे, कुछ ना कुछ तो वहाँ प्राप्त करेंगे। तो रास्ते में जब जैसे चल रही थी तो एक रात्रि 15-20 किलोमीटर का अंतराल ही हुआ था कि वहीं पर जब वह सोचा कि अब 6 बज गए साथ कहाँ रात्रि विश्राम किया जाए, तो किसी एक व्यक्ति ने देखा कि माँ की बहन बड़ी दूर से चली आ रही है, इसको बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, छोटा सा बालक उसके साथ में है, क्यों ना इसका कोई उपाय उचित किया जाए। तो वह भाई विनम्रता पूर्वक दिया ये थोड़ा सा सहयोग दे कि आखिर बहुत देर से मुझे क्यों देख रहा था, क्यों मेरे पास आया। अब जब वो जैसी उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे आपको क्या प्रयोजन, इससे आपको क्या मतलब, असहाय है, किस्मत की मारी है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी एकदम से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा सुनो बहन, अब जब बहन शब्द का अनुमोदन किया तो निश्चित रूप से उनके मन में भावना आती कि हम सुरक्षित हैं। सुनो बहन, यदि आप रात्रि विश्राम यहाँ करना चाहती हैं तो मेरा तो घर चूंकि थोड़ा सा आगे है, ये भवन विद्यालय का भवन है, पाठशाला बच्चों की लगती है, और यहाँ पर हम इसके मुख्य प्रबंधक हैं, तुम रात्रि विश्राम यहाँ करना चाहो तो कर सकती हो। तो एक बार में कोई भी ना नहीं कर देता, उसने 10-5 मिनट का समय लिया और कहा ठीक है, इनसे सोच रही हूँ देखती हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो ना कहीं रास्ता मुझे दिखाई नहीं रहा है, समझदारी है कि सोचना समझना जरूर चाहिए। फिर जो है सुरक्षा की दृष्टि से उन भाई को जो है हाँ कह दिया, रुक गई वो सुकुमार स्थान पर। सुबह सुबह जब भाई आया कि चलने को थी, आप जब जाने वाली हो तो हमारे घर में चौके में कुछ बना दो वहां से। तो आदमी मरता क्या नहीं, इतना तो चाहिए ही था कि कम से कम रास्ते के लिए कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आप अपना सहयोग करते हो तो भी अच्छी बात है। रास्ते में कोई अज्ञान व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य हमारे साथ कर जाए तो आजकल तो कोई ना करना चाहता जाता, अपनों के लिए नहीं करता, समझना उसने किया। और जब भोजन इतना स्वादिष्ट बनाया और जब स्वयं उससे थोड़ा सा रख लिया, जाने के लिए आगे बढ़ी, तो आगे जाना किधर है, क्या करना है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, बस पढ़ते चले जा रही थी बेचारी मामा, नहीं थे उसके पास कोई सहारे, छोटे से उस बालक को लेकर के वह भटक रही है मामा। कभी सुखों के भरपूर साधन थे, घर में किसी खाद्यान्न की कोई कमी नहीं थी, किस्मत का पलटा आया,
जो बेर बेर खाते वे बेर आज खात रहे, है ना। जो बेर बेर खाते उतना जो बार बार खाते थे वो बेर आज खात रहे, जो बेर कभी खाते थे वो बार बार खाते हैं। तो भैया किसी का कोई समय का भरोसा नहीं, भोजन इतना स्वादिष्ट बना कि उसके साथ पुत्र थे, उस भाई के साथ पुत्र थे। उन पुत्रों ने कहा कि पिताजी भोजन को करके तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। उन सातों पुत्रों ने अपनी माँ को 3 माह पूर्व ही खोया था। कितने माह पूर्व? 3 से 6 माह के पूर्व ही उन्होंने अपनी माँ को खोया था। अब जब बच्चों ने कहा कि पिताजी आप इन्हें को घर में रख लीजिए ना, ये हमें माँ जैसे नहीं, बेटा ये तुम्हारी बुआ है। क्या है? आप सोच रहे शब्दों का कितना प्रभाव, कितनी भावनात्मक या रिश्ते हो। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी समान उम्र है, सब कुछ है और सारी जो है वह माँ भी जो है सर्वांग रूप से हर चीज से सुंदर और सर्वगुण संपन्न है। फिर भी उन्होंने इसे जो है भाई का दर्जा दिया। और जब उन्होंने जाकर के हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे बहन आप चाहें तो जब आप किसी काम के उद्देश्य से कहीं जा रही हैं तो क्यों ना आप हमारे यहाँ ही कुछ काम काज कर लें और मैं आपके इस बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा, साथ ही आप जो चाहेंगे आपके लिए मासिक रूप से। नहीं भैया चाहिए तो मुझे कुछ नहीं, बस ये मेरा नालायक बेटा थोड़ा लायक बन जाए, इसी प्रयास में लगी हुई हूँ। बहुत पुण्यहीन है, इसने पूर्व जन्म में न जाने इसे कैसे प्राप्त किए थे जिसके कारण आज मुझे दर दर पर ठोकरें खाना पड़ रही है। जैसे इसका जन्म हुआ तो मेरे पति का साया मुझसे दूर हो गया, मेरी माँ जो मुझे हमेशा सहयोग करती जिसके बल पर मैं आगे बढ़ती। एक माँ को अपनी माँ की कीमत समझाती है, मतलब आपको अपनी माँ की कीमत जानते हैं। ऐसी स्थिति और परिस्थितियों से मैं गुजर रही थी, उसने सारा वृतांत कह सुनाया। उसने हाथ जोड़कर के पुनः निवेदन किया कि रुक जाओ बहन, मैं आपको पृथक व्यवस्था दूंगा और आपको यथायोचित जो है सम्मान पूर्वक रहने का। वो भी जानता था कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, किंतु वह भावों से इतनी महान व्यवस्था, तो वह कहती है चलो सोचती हूँ बताती हूँ। किसी भी चीज का निर्णय एकदम से कोई नहीं लेना चाहिए। उसने सोचा, सातों पुत्रों के विषय में सोचा और फिर बाद में निर्णय लिया कि ठीक ही तो है, जब उन्होंने भाई बन करके मुझे बहन का दर्जा दिया तो मुझे इस कार्य को करने में कोई बुराई नहीं है। रुक गई थी वह कौन उनके घर में और भोजन करा दी। सातों पुत्र इतने प्रसन्न पूर्वक भोजन करते कि आनंद आ जाता और सारा का सारा क्रम थोड़ा सा सुधर रहा था। और उस बेटे के लिए भी उसकी सारी गाय भैंस दे दी, जा तुम इसको चराया करो जंगल में। जो पढ़ते लिखते नहीं है वही काम करते हैं, क्या करते हैं गाय भैंस चराते हैं। तो उसको उसका काम मिल गया, बढ़िया खुश हो गया। गाय भैंस उसको पकड़ा दी वो डंडी दे और जंगल निकल जाए, शाम को बढ़िया अच्छा खाना खिला दे। चाहिए क्या है तो चाहिए, वो तो कहते मामा तुमने एक काम अच्छा कर दिया हमारे लिए हमारे साथ का काम दे दिया। बड़ी अच्छा मनमस्त मत गगन में घूमता फिरता अपनी मस्ती में रहता और जहाँ चाहे चार गालियां सुनता और चार लोगों की बातें सुनता और खुश रहता, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता था। तो बाप आत्मा जीव था, बस बेचारी माँ उसको करे सुबह से आते हाथ फेर के सहलाती कि बेटा तू नालायक है लायक बन जा। माँ के लिए पुत्र के समय झेलती हो सुनना था, प्यार करती स्नेह करती। समय बीतता चला जा रहा था पर एक अच्छा समय बीता। लगभग 6-8 माह मिलने के बाद पैच फंस गया। पैच कहाँ फंस गया कि घर में एक अच्छी बनाई गई खीर, फिर महाराज जी की जलसा पर आ जाओ। और जब खीर बनी तो उन सातों भाइयों ने इतने अच्छे से खाने की पूरी चट कर दी। अब जब जो गाय भैंस चरा के आया कहने लगा मम्मी खीर कहाँ है? कहने बेटा आज खीर बची नहीं है, तुम्हारे सब भाइयों ने खा ली, कल तुम्हारे लिए रख सके। अब वो तो भैया मचल गया, वो
अपनी माँ से गाली गलौज करता, उसको उल्टा सीधा सुनाता और खूब उसके लिए ऊपर भड़का कि तुम जैसी माँ मैंने भी देखी और रही और वो उसको बहुत सुनाया। उस माँ को उसने माँ के साथ रोती रही, बात बढ़ती चली गई। जब घर में गया तो उसने उसको सोने नहीं दिया, माँ को बहुत बातें सुनाई कि यदि खीर बनी थी तो मैंने दोबारा पैदा करता पिता के बचा दिया, नहीं बेटा पर दूसरों के घर में। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।